깜짝 <목소리로> 놀랐어

पूरा जंगल होता है जब उसको एक केज पे बन कर जाता है तो सोचो उसे कैसा लगता होगा ये कंपेयर और कंट्रास्ट करके हमें पोएट बताएंगे इस पोएम में पोएट का नाम आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में तो वो दिखाएंगे हमारे को एक बार वो बताएंगे हमें जू में रहते हुए टाइगर के बारे में कि वो कैसे चल रहा है वो कैसा फील कर रहा है वो कैसा है इस समय पे और उसी पल दूसरे पल वो बताएंगे हम आपको एक ऐसे टाइगर के बारे में जो बहुत ही बिल्कुल फ्रीडम के साथ जो है बाहर घूम रहा है जंगल में तो आप खुद पहचान पाओगे उस टाइगर का दर्द जो जू के अंदर बंद है तो चलो पढ़ते हैं हम तो यू नो दैट ये पोयम कंट्रास्ट शो कर रहा है बिटवीन एक टाइगर जो जू में है और दूसरा टाइगर जो अपनी नेचुरल हैबिटेट में है नेचुरल हैबिटेट मतलब नेचुरल घर नेचुरल घर।, घर क्या है टाइगर का भाई जंगल है तो दोनों का कंपैरिजन देखेंगे एक जंगल वाले टाइगर का एक जू वाले टाइगर का तो चलो पढ़ते हैं पोयम को He stalks. अब यहाँ पे personification का यूज हुआ है ही ही थोड़ी कहेंगे हम टाइगर को तो इट कहना चाहिए तो हमने टाइगर को ह्यूमन being की तरह लिया है ही यूज कराए ये personification है अगर बाकी पोएटिक devices चेक करने वैसे ना मैंने एक पोएटिक devices की वीडियो बना रखी है उसमें मैंने तुम्हें सारे पोर्टिक डिवाइसेस कवर करा दिए हैं अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो खुद से सारे पोर्टिक डिवाइसेस पहचान भी होगी अगर देखनी है वो वीडियो तो आई टाप में जाके देख सकते हो ठीक है कि कोई भी पोर्टिक डिवाइस आ जाए किसी भी पोएम में आप उसको आंसर कर पाओगे ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स भी उसी वीडियो से पोर्टिक डिवाइसेज प्रिपेयर करते हैं आप भी कर सकते हो दोनों के लिए सब एक्सप्लेन कर दिया जो हमारे आजकल की पोएमों में चलते हैं ना पोर्टिक डिवाइस वो सब बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया है तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है एंड यू आर वेरी स्केयड अबाउट पोल्टिक डिवाइस को एन वॉज दैट वीडियो तो अभी मैं पूरी पोएम पढ़ाती हूँ पोएटिक डिवाइसेज बाद में करेंगे ठीक है तो पढ़ते पोएम को ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स विविड स्ट्राइप्स मतलब जो इतनी ब्यूटीफुल जो इतनी ब्राइट ब्राइट स्ट्राइप्स होती है ना जो टाइगर के बॉडी पे होती है तो वो स्टॉक कर रहा है स्टॉक मतलब क्या हुआ धीरे धीरे चल रहा है स्टॉक्स मतलब छोटे छोटे कदम रख के वो चल रहा है कौन चल रहा है टाइगर चल रहा है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिस् केज कुछ कदम चल रहा है अपने केज के क्योंकि उसका केज है ही छोटा सा भाई कहाँ को जाएगा घूम तो नहीं सकते ना जंगल की तरह तो ही स्टॉक्स इन हिज 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 स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ ऑफ केज ऑन पैड्स क्वाइट इन क्वाइट रेज कितनी ब्यूटीफुल लाइन है कैसे चल रहा है वो धीरे धीरे कदम रख के चल रहा है फ्यू स्टेप्स अपने केज के ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट अब इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट क्या है आपने पैर देखे फर वाले ऐसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पैर होंगे पॉस कहेंगे उनको टाइगर के पॉस कैसे होंगे सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल फर वाले उनको अगर वो चलेगा तो आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी तो टाइगर जब चल रहा है तो उसके पॉस जब पड़ रहे हैं ज़मीन पे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल क्वाइट है बिल्कुल उसी एंगर की तरह रेज मतलब क्या होता है एंगर गुस्सा जो उसने अपने मन के अंदर दबा रखा है क्या टाइगर खुश होगा जेल में नहीं होगा ना तो वो उसके अंदर गुस्सा होगा सोचो अगर एक बार ही दरवाज़ा खोल दिया केज का तो उसमें कितना गुस्सा है समझ गए आप कितना गुस्सा होगा हो उसके अंदर बट वो सब गुस्सा वो तो चाहेगा कि मैं भाग जंगल में भाग जाऊं बट वो सब गुस्सा उसने जो है अपने मन के अंदर शांत करके बैठा हुआ है जिस शांति से वो वहाँ पे केज के अंदर चल रहा है उसी शांति से उसने वो गुस्से को अपने मन में दबा रखा है तो दोबारा पढ़ते हैं इन लाइन्स को ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स ब्राइट वाली स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी कि जो उसके पैर हैं जो पॉज हैं उसके इतने वेल्विटी हैं वो कि चलते हुए आवाज नहीं आ रही है इन हिज क्वाइट रेज चल कैसे रहा है वो क्वाइट रेज में क्वाइट मतलब होता है शांत और रेज मतलब होता है गुस्सा तो भाई ये भी एक टाइप का पोइटिक डिवाइस है मैंने समझा रखा है जाके देख सकते हो आप कौन सा पोइटिक डिवाइस है किसी को पता है तो बताना कमेंट्स में तो क्वाइट रेज मतलब क्या हुआ कि वो शांत है बट उसके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है समझ गए उसने उसको शांत करके वो चल रहा है अब नेक्स्ट टेंसर पढ़ते हैं अब इस टेंसर में बताया गया है कि एक्चुअली में उस टाइगर को कहाँ होना चाहिए तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास वो कह रहे हैं अब इस लाइन में कि भाई उस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था उसे शेडो में होना चाहिए था ही शुड बी लर्किंग इन शेडो उसे छुपना चाहिए था जंगल में घास के पीछे ऐसे नियर द the... नियर द वॉटर होल वाटर होल क्या हुआ कोई वाटर बॉडी हो जहाँ पे वो डियर वो देखिए नहीं आपने डिस्कवरी पे वो हमें दिखाते डॉक्यूमेंट्रीज़ की डियर पानी पीने आता है और फिर वो उनको जो है आ, हंट करते हैं टाइगर वैसे ही वो कह रहे हैं कि वो टाइगर को क्या करना चाहिए ही शुड बी लर्किंग लर्किंग मतलब छुपना होता है इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास उसको तो लॉन्ग ग्रास की शेडो में छुपना चाहिए कि कब डियर आएगा प्लंप मतलब होता है मोटू सा यानी कि फैट कब प्लम्प डियर मोटू सा डियर आएगा वाटर होल के पास पानी पीने तो मैं उस पर अटैक करके उसे खा जाऊंगा उस टाइगर का नेचुरल उसे ये करना चाहिए था बट राइट नाउ वो टाइगर जू में है ही शुड बी स्नालउंड हाउसेस At the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. use to उसे तो आराम से वहाँ chahiye घूमना चाहिए जंगल की jungle पे जंगल की एज आपने देख जो है सोचो आप जो जंगल की एजेस होती है ना वहाँ आसपास में कई गांव बने होते हैं तो वहाँ पे कई बार टाइगर आ जाता है तो विलेजेस डर जाते हैं टाइगर को देख के समझ गए दूर से भी देखो ओवियसली डर जाएगा कोई भी तो चाहे टाइगर जो है जब वहाँ से निकल के भी जाता है तो विलेज डर जाते हैं उसके जो है वाइट कलर के फैंग्स को, को देख यानी कि उसके दांतों को देखकर उसके क्लॉस को देखकर विलेजर्स डर जाते हैं तो ये टाइगर का रूल है कि वो जब निकल के भी जा रहा है तो सब डर जाते हैं बट वहाँ में क्या हो रहा है विजिटर्स आके जो है उसको देख रहे हैं वो केज के अंदर बंद है बट एक्चुअली उसे क्या करना चाहिए उसे की रोम अराउंड करना चाहिए उसे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से घूमे जहाँ उसका मन करे जंगल में ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द चंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स फैंग्स मतलब जो उसके दात है, हैं हिज क्लॉज टेरराइज इन द विलेज नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम बट ही इज लॉकड इन अ कॉन्क्रीट सेल बट वो ये सब नहीं कर सकता है बिकॉज ही इज लॉकड इन अ कॉन्क्रीट सेल यानी कि सीमेंटेड सेल में वो बंद है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स बार्स मतलब वो जो लोहे की रॉड्स हैं उसके पीछे उसकी सारी स्ट्रेंथ है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिस् स्केज इग्नोरिंग विजिटर्स और वो क्या कर रहा है स्टॉकिंग मतलब कुछ कदम चलना ठीक है धीरे धीरे चल रहा है वो कुछ कदम अपने केज में सभी विजिटर्स को इग्नोर करते हुए जो उसको देख रहे हैं ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट उसको आखिरी वॉइस आती है रात को जब पेट्रोलिंग कार्स आती है जू की देखने के लिए कि कोई गेट तो नहीं खुला रहेगा या फिर कोई है तो नहीं जू में लास्ट वॉइस उसे तभी आती है और उस समय वो टाइगर अपनी ब्रिलियंट आइस के साथ ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा होता है आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं उनकी आंखें रात को चमकती हैं तो जब वो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं तो वो देख क्या कर रहा होता है टाइगर टाइगर अपनी चमकती आँखों से चमकती तारों को देख रहा होता है और तारों को देखना मतलब एक डिज़ायर ऑफ़ फ्रीडम भी है कि वो भी चाहता है कि उसको फ्रीडम मिले और वो जंगल में आराम से घूमे समझ गए तो चैप्टर सॉरी पोएम कंप्लीट हो गई पोएम के पोइट कौन है लेजली नॉरिस रिवाइज़ करवा दो एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई आ, टाइगर कहाँ है टाइगर अपनी विविड स्ट्राइप्स में ब्राइट ब्राइट बिल्कुल अपने स्ट्राइप uh, के साथ में अपने केज में घूम रहा है बहुत धीरे धीरे आवाज़ भी नहीं आ रही उसके चलने की क्योंकि उसके पॉज बहुत वेलविटी हैं और उसके अंदर गुस्सा जो है वो उसने शांत कर रखा है अपना बट एक्चुअली में टाइगर को कहा होना चाहिए उसे घास के पीछे होना चाहिए छुप के जहाँ पर वो एक वाटर पॉइंट के पास भी एक डियर को हंट करने के लिए वेट कर रहा है इनफैक्ट उसे कहाँ होना चाहिए जंगल के किनारों पर जहाँ पे उसे देख के सारे विलेजर्स डर जाएंगे उसके वाइट फैंक को देख उसके क्लॉज को देख के विलेजर्स डर जाएंगे उसे वहां होना चाहिए था बट अभी हमारा टाइगर कहां है वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है और उसकी जितनी भी स्ट्रेंड है वो बार्स के पीछे है वो लोहे के जो रॉड्स हैं उसके पीछे है और वो धीरे धीरे चल रहा है उस केज के अंदर जो भी विजिटर्स वो में आ रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए आखिरी वॉइस उसका दिन कैसे ख़त्म होता है जब उसे आखिरी आवाज़ कार्स की आती है और उस समय पर वो फ्रीडम को डिज़ायर करता हुआ आसमान में देख रहा होता है तो पोएम कम्प्लीट पोइट्रिक डिवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी इस पोएम के हिसाब से और अगर आपको कोई मतलब सारे पोइट्री डिवाइज सीख लेने तो वो वाली वीडियो देख सकते हो तो मैं चलती हूँ पोबाइटिकवाइस सफल अगर आपको इस के केट बेस को क्वेश्चन देखने है या इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो उसके लिए प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास नाइन इंग्लिश बाय सिमरन साहनी वहां से आप रिविजन कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सीबीएससी के रिलेटेड पैटर्न के मैं पढ़ा चुकी हूं और अगर आपको नोट्स एम सी क्यू सबरी चाहिए ठीक है स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल का कम्युनिटी भी चेक कर सकते हो या फिर एक गाइड मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर क्लिक करके भी आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो तो मैं चलती हूँ पोविटे के बेस्ट ऑफ लग हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में